वेलकम टू द न्यू व्लॉग डियर फ्रेंड्स, हम चले रायपुर। बिल हैव यू टेकन योर मास्क? 3:10 निकल रहे हैं। चलो भाई भाई, तुम मत जाओ। चल, हम पता कितनी देर से चले। अब हम रायपुर का पानी ही छुएंगे, अब रायपुर का पानी ही हमारे तन को छुएगा, उसके पहले विवेक सब चलेगा। आई नो इट। विवेक का ये रिएक्शन नहीं देख लेंगे तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। तो भैया, चार की चौकड़ी चल पड़ी है एयरपोर्ट की तरफ। रायपुर की तरफ निकले हैं अरुण, मीनाक्षी, पीलू और मैं। अब लाइन शॉपिंग करेंगे। कौन सी लाइन छोटी है? चारों निकल पड़े घूमने रायपुर। एक्साइटेड अरुण, मैं इतने खड़ा हैं। मेरे भाई मीनाक्षी आ रहा है, वो आ रहा है पालमपुर वाला तेरा खास। ये देखो, चलो रायपुर वाले, ये तीन और हम साइड से कैप्चर करते जा रहे हैं। मैंने आपको पूछा, डज शी लाइक स्वीट्स? उन्होंने कहा टर्किश स्वीट्स। ऑथेंटिक ना, बस खत्म हो गई बात, ऑथेंटिक लेके जा रहे हैं। आलमंड बकलावा। हाँ 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 आउट ऑफ द वर्ल्ड, बिना प्रेशर में आके। पता नहीं हम कब जाएंगे, मिठाई तो खा ले। थैंक यू माय फ्रेंड, हैव अ फिनोमिनल डे। दिस इज फॉर हिमानी, बर्थडे गर्ल के लिए। हम लोग साथ मिलके खाएंगे। देखो, अकेले उसको खाने में बुरा लगेगा, हम उसको अकेले खाने नहीं देंगे। हाँ जी, इसकी कितनी कैपेसिटी है? मतलब बहुत कैपेसिटी है इसकी, मेरी जितनी कैपेसिटी है। मेरी कितनी कैपेसिटी है? एंडलेस। जी हाँ, एंडलेस कैपेसिटी है, न सिर्फ खाने में बल्कि इंटरेस्टिंग मोमेंट्स क्रिएट करने में। सॉरी अगर आपको बात सुनाई नहीं दी। हाँ, कुछ बोल रही थी मैम? तो आपने इतना कम क्यों लिया प्लेट में, ओवरफ्लो लिया प्लेट। अमला को मिस नहीं कर रहे हम ना। रायपुर विस्तारा की फ्लाइट है 5:30 बजे, हमारी फ्लाइट 5:50 की ऑन टाइम। गेट चेंज हुआ है, नाउ इट्स 45 एवर नीचे। अरुण भारद्वाज और मैं लक्ष्मी नगर के दोस्त, यानी 10 साल की उम्र से एक साथ हम लोग खेले हैं, लड़े हैं, बहुत हंसी मजाक की है और खास बात, आज तक दोस्ती का हाथ थामे जिंदगी बिता रहे हैं। चलो रायपुर। मैं सोने जा रहा हूँ भाई साहब, मैं सोने जा रहा हूँ। लैंड कर चुके हैं। विवेक इज एट होम, क्योंकि हिमानी को पता नहीं है हम आ रहे हैं, तो उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो बाहर, तो पता नहीं पाया कि मेरे को पिक करने आ रहा है। ही इज एट होम, द कार इज हियर, बुद्ध कहा जाता है। गुड फन, वी आर एक्साइटेड। रायपुर पहुंच चुके हैं। क्या कहना है आपका बालक विवेक? क्या बालक विवेक अपनी उछल कूद कैसे रोक रहे होंगे? हाँ, वो घर से निकल नहीं पा रहे क्योंकि वो हिमानी। तो कहानी का प्लॉट आपको बताता हूँ। Vivek was expecting Pilu and me to come and surprise Himani. लेकिन विवेक को पता नहीं था कि अरुण और मीनाक्षी भी आ रहे थे। मैं बहुत एक्साइटेड था और इसी एक्साइटमेंट में सामान सब कहाँ गया? मेरा छोटा वाला गाड़ी में रहेगा, फ्लाइट में रहेगा। मैं एक्साइटेड में फ्लाइट में भूल के आ गया। अरे यार, मैं फ्लाइट में छोड़ के आ गया, फ्लाइट में छोड़ा ना मैंने। हाय, I have forgotten my bag in the hand baggage in the aircraft. Yeah, from Mumbai. Yeah, first row. Please, 1A I was sitting. अभी डांट भी पड़ेगी यहाँ पर। आजा भैया, वही मैं भूला हूँ मैं। नहीं, पर तुम लोगों के चक्कर में भूलता हूँ मैं। चुप रहो, ज़्यादा excited क्यों होती हो? तो गलती किसकी है फिर?
क्या बोला उसने कि वो एक मिनट उसने मुझे हौसला दिया है तो जाओ ना। हाँ मैं जा रहा हूँ। यू गॉट इट, थैंक यू सो वेरी मच, रियली अप्रिशिएट इट। अब जरा कम डांट पड़ेगी, जो आ गया उसको तो संभाल लो। वो आ गया, बस हम लगेज के लिए वेट करें एक मिनट। सर लगेज का वेट कर रहे हैं, वेट करते हुए इसका फोन ही नहीं उठा सकते सर, कमाल कर। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, वैसे हम लोग बहुत पीलू है ना आए, थोड़ा सा बुरा लगा है कि आप नहीं आए सर हमको पिक करने। वो ड्राइवर विल गेट यू, हाँ हाँ ड्राइवर विल गेट ना, वही तो बता रहा हूँ। पीलू और मुझे थोड़ा बुरा थोड़ा सा ऐसा लगा कि आप आते तो और अच्छा होता। हम लोग ऐसा करते हैं रास्ते से थोड़ा सा चाय पी के आते हैं, क्योंकि रायपुर में उतरते ही चाय पीने का तो अलग मजा आएगा। करना तो वैसे ही जैसे करना है, नहीं अगर तुम नहीं चाहते तो हम सीधा आ जाएंगे, हमें ऐसा कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आप सीधा आ जाओ। ठीक है चलो, लव यू, बाय बाय बाय। हाँ लगेज आ रहा है, बस लास्ट लगेज आ रहा है, उसका वेट कर रहा है। रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। तो जी हाँ, लास्ट लगेज पीस लेकर हम लोग बैठ गए गाड़ी में, लेकिन साथ नहीं पीलू और मैं एक गाड़ी में, और जो सरप्राइज पैकेट था विवेक के लिए, अरुण और मीनाक्षी दूसरी गाड़ी में। साहब आ गए, जय हिंद। बस आपने भी देखा नहीं है। और अब हम बढ़े विवेक की तरफ। रहा? नोटिस कीजिए, अरुण और मीनाक्षी की गाड़ी पीछे से निकल रही थी और विवेक ने उनको नहीं देखा था। कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा सर, आप आए बैठे। Wonderful, wonderful. And Himani doesn't know it. Himani doesn't know it. आजा पी ले। अच्छा, he hasn't seen Arun and Meenakshi in the car. अरे साहिब सर, मजा आया कि नहीं आया? अरे काटता नहीं भाई जरा सर, कैसी बात? काटता नहीं ना, क्या बात है साहिब? हम आगे जा रहे हैं, हम अभी आपको मैं बता दूं, सीन ऐसा है कि आपके सरप्राइज के चक्कर में बड़े रिस्ट्रिक्शन आपको पता ही है, आप दे देते हैं। तो हिमानी को बोला यार कि लेट अस एटलीस्ट हैव ब्रेकफास्ट। जरूरी था कि मैं विवेक को बातों में उलझाए रखूं और गाड़ी को धीरे चलने को कहूं, क्योंकि अरुण और मीनाक्षी इस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। मैंने हल्के से पीलू को बंगला में कहा, उन्हें कहो हमें फॉलो करें। ओके बोले था पीलू। बोलो फॉलो, पीछे ईस्ट है तो मेरे ख्याल से आगे वेस्ट होना चाहिए। मैं विवेक को बातों में उलझाया जा रहा था ईस्ट और वेस्ट के साथ, क्योंकि जरूरी था कि वो पीछे चलती गाड़ी को न देख ले। समझ रहे ना कि मेरे लिए जरूरी था कि मैं गाड़ी को रोकूं, और विवेक रुकने को तैयार नहीं थे। एक जगह कहीं पर रुक के हल्की सी चाय पी सकते हैं, एक पहले यहाँ रुक के मिल नहीं पाएगी इस जगह पे सर, चाय की जगह भी लेके जाएंगे आपको सर। तो पहले एक पहले मैं पॉज मारना चाहता हूँ सर, मैं अगर रुक जाऊंगा तो चाय आपके, आर यू कैरिंग थर्मस के? सर मैं आपको बताया नहीं, आपको है थर्मस का, अभी यहीं रुक देता हूं, रोड पर बीच में खड़ी कर। नहीं नहीं, चाय की दुकान पर रुकनी है सर, इसके लिए जाने दें ना आप मेरे को। अच्छा क्यों पी लूं, बिना जाए तो जा नहीं पाएंगे। गाड़ी पीछे आ रही थी, मैं गाड़ी पे नजर रख रहा था। हाँ गाड़ी पीछे थी, अब गाड़ी को रोकना बहुत जरूरी था, पर कैसे रोकूं? सर मैं यहाँ पे एक मिनट रुक सकता हूँ? प्लीज प्लीज रुक जाइए प्लीज। मैं ग्वाला में आपको ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जो आपने लाइफ में नहीं देखी है। ग्वाला ने हमें बचा लिया। इस जगह है, मैंने बंगला में पूछा, आया है क्या वो? विवेक एक कॉल में व्यस्त थे, पीलू पीछे देख रही थी, मैं भी अरुण के पास आ गया था। एम्बुश पक्का हो चला था, एक तरफ से मेरा नॉक, एक तरफ से अरुण का नॉक। विवेक के चेहरे पे हंसी। नोटिस करिए, उन्होंने सिर्फ अरुण को देखा है, मीनाक्षी को अभी भी नहीं देखा है। विवेक अपना सरप्राइज छुपा रहे थे। मैंने कंधे पे हाथ रखा और आगे बढ़ाया, मैं नहीं चाहता था कि वो मीनाक्षी को देखे। दूसरी गाड़ी में मीनाक्षी आ रही थी, मैंने पलटाया विवेक को दोबारा। चाय अंदर भी है ना?
और अब मीनाक्षी दिखी। The plan was successful. The ambush was amazing. सच बताऊं, इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद चाय, समोसा और जलेबी क्या लग रहे थे। टेस्ट में इस सरप्राइज के साथ कमाल का इजाफा हो गया था और पोहे भी गजब के थे। बोला ठाकुर जी महाराज की जय, सीता माता की जय, बिहारी लाल की जय। बहुत काम किया आपको, मैंने विचलित रखा था कि आप पीछे ना देख पाए। तो मजा आ गया, सबसे पहला सरप्राइज हैज वर्क्ड विद विवेक। विवेक वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग पीलू एंड मी, मेट अरुण एंड मीनाक्षी। नाउ हिमानी इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी वन ऑफ अस। ऑफ कोर्स वो कहेंगी कि वो जानती थी तुम लोग आने वाले हो। इडली मंगाई है और इडली नहीं आई है। जलेबी आई है, समोसे आए हैं। फैंटास्टिक, सुपर। अगले व्लॉग में आप देखेंगे कैसा रहा हिमानी का रिएक्शन और क्या क्या सरप्राइजिंग चीजें होने वाली थी रायपुर के हमारे इस ट्रिप में। मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में। याद रखिएगा दोस्तों, I love to travel with friends and you are my friend. See you in the next vlog. Al shukran bandhu, al shukran zindagi.